दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप लोगों का टीम वॉरियर यूट्यूब सोशल पेज पर स्वागत है। और आज आप लोगों से मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस, सोशल मीडिया बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी जो क्षमता है उसको दुगने ताकत से लोगों के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आम आदमी खास आदमी सोशल मीडिया से बन सकता है और सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत से लोगों को पहचान दिलाई है। ओके, तो देखिए आज का जो टाइम है वो हमारा है सोशल मीडिया बिज़नेस हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ हम सोशल मीडिया बिज़नेस कर सकते हैं, हमें कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। आज भारत के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनको पार्ट टाइम साइड बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, उनको एक अच्छे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, बट लोगों को ये नहीं पता कि हम अपने बिज़नेस को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक हम अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हर इंसान आज इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर हर इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने की प्लानिंग कर रहा है। काफ़ी लोगों ने प्लानिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे कोई राजनीति से जुड़े हुए इंसान हो, हर इंसान सोशल मीडिया पे आ गया है। तो आज एक आम इंसान को भी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है कि एक आम इंसान भी अपने आप को अपग्रेड करें। हमें अपनी क्षमताओं से उठ के बाहर काम करना पड़ेगा। आप सब लोगों में भगवान ने एक अलग अलग यूनिक क्षमताएं दी हैं, उस क्षमताओं को हमें सोशल मीडिया पे हमें दिखाना पड़ेगा। आप लोग अगर इस टाइम अपग्रेड अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपनी आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या कोई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, हर इंडस्ट्री को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं टाइम टू टाइम ये इंडस्ट्री अपग्रेड होती रही है। आप अगर बहुत पीछे पास्ट में जाएंगे तो वैज्ञानिकों का भी दावा है कि इंसान किसी टाइम पे बंदर हुआ करते थे, उन्होंने भी टाइम से अपने आप को अपग्रेड किया है। पहले शरीर से उनकी पूंछ को गायब किया गया, फिर धीरे धीरे वो चार पैरों से दो पैरों पे खड़े हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जो भी हम फ़ोन या लैपटॉप्स को भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उनको भी टाइम से हमें अपग्रेड करना पड़ता है, कंपनियां उनको टाइम से अपग्रेड करती हैं। तो हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करें, वरना हम एक इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सदी में एक बिज़नेस ने अपने आप को अपग्रेड किया है। किसी टाइम पर जो बिज़नेस एक दशक रहा है वो दशक रहा है आपका प्रॉपर्टी का दशक रहा, उस टाइम पे लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाया है। किसी टाइम में स्कूल कॉलेजों का बिजनेस रहा, वहाँ लोगों ने स्कूल कॉलेजों में बहुत पैसा कमाया है। किसी दशक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ग्रोइंग किया है पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर। किसी टाइम के अंदर आईटी सेक्टर का बिजनेस भी ग्रोइंग किया है। तो आप देख सकते हैं, देन उसके बाद में एक इंडस्ट्री आई हेल्थ की इंडस्ट्री में लोगों ने ग्रोइंग किया है। ओके, तो हर टाइम किसी न किसी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आती रही है, बट जिस इंडस्ट्री ने सबसे पहले उस इंडस्ट्री को कैप्चर किया है, आज देख लो कहीं भी आप, आज वही इंसान वहाँ पर रिसर्च है। ओके, वही इंसान आज पैसे वाला है पूरी दुनिया के अंदर। तो अभी जो टाइमिंग चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जो भी टाइम है अपने आप को ग्रोइंग करने का, वो टाइम है सोशल मीडिया बिजनेस करने का। ओके, आप ऑनलाइन कैसे बिजनेस कर सकते हैं? आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्स वाई जेड कोई मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अगर आप सोशल मीडिया पर लेके नहीं आते, अगर आपकी जो कंपनी है आप अपनी कंपनी को चेक कर लें, अगर आपकी जो कंपनी है अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं जा रही है, उस कंपनी का विजन देख लें, तो आप उसके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं आप। और जिस भी इंसान ने टाइम से किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री को मौके पर चुना है, मौके पे उसको अपनाया है, मौके पे उस पर एक्शन लिया है, वही इंसान आने वाले टाइम में पैसे वाला इंसान मिला है। सोशल मीडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने पिछले कई टाइम से बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 के अंदर जितनी भी ग्लोबल तौर पर सोशल्स ऑनलाइन कंपनियाँ काम कर रही हैं, उन ऑनलाइन कंपनियों ने 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने का प्लान कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर 138 करोड़ लोगों के अंदर तकरीबन 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं हर आदमी आज गूगल है, पेटीएम, नेट बैंकिंग यूज़ करता है, अमेजन फ्लिपकार्ट आपका अलीबाबा, इन सब सोशल साइट्स पे शॉपिंग करता है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे सब लोग आ चुके हैं। ओके, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जोमेटो है, स्विगी है, सब सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सब बिजनेस कर रहे हैं। आपका ऑल ओवर कब है, सब ऑनलाइन बिजनेस है। तो अभी जो टाइम है वो अपग्रेड करने का आएगा। अगर अभी भी अपने आपको अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप एक इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएंगे। देखिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने अपने आपको अपग्रेड नहीं किया। आप देख सकते हैं नोकिया ने अपने आपको अपग्रेड नहीं किया। आज मार्केट में नोकिया का नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। उसके बाद में आप देख सकते हैं
हिंदुस्तान मोटर अगर आपने नाम सुना हो, कोडक कैमरे का अगर नाम सुना हो, तो ये वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो बहुत पीछे रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो अगर आज ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जो दादाजी थे जो बिजनेस कर रहे थे, हमारे जो फादर बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आज हम वही बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। ओके, अगर आप वही पुराना एक्सवाइजेड किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर मोटिवेशन से काम हो रहा है, तो भी आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह हम भी पिछड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमें संभावनाओं पे हमें काम करना है। संभावनाएं कहाँ है? आज मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट की नीड क्या है? मार्केट की जरूरत क्या है? ओके, मैं आप लोगों को अगर कोई चीज़ वैसे बेसिकली बगैर कोई प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको मोटिवेशन कर दूंगा, वहाँ आप काम कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। अगर मार्केट जहाँ पर संभावनाएं हैं, जहाँ पर पूरे विश्व के अंदर बहुत से लोग एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है, जैसे कि आप जानते हैं इतिहास का सबसे अमीर इंसान बेजोस जो अमेजन के मालिक बने हैं, वो बहुत अमीर इंसान बने, इतिहास के सबसे अमीर इंसान बने, 200 अरब से ऊपर की उनकी संपत्ति है, देख सकते हैं आप। ये क्या है? संभावना किसके अंदर है? ओके, अब देखिए कि 2021 के अंदर जो सोशल जो ऑनलाइन बिजनेस है उनकी जो बढ़ोतरी है वो 265% दर की गति से बढ़ने की संभावनाएं हैं। ओके, 2014 के अंदर जो सोशल जो ऑनलाइन बिजनेस था उनका जो टर्नओवर था 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अंदर था, बट 2020-22-23 के अंदर इनकी जो संभावनाएं हैं वो 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अंदर उनकी संभावनाएं हैं। इतना बड़ा बिजनेस करने की उनकी प्लानिंग्स है, इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है, ये अनुपात लगाए गए। और ये जो अनुपात लगाए गए हैं इनसे एक ही चीज़ दर्शाती है कि आने वाले टाइम का फ्यूचर का बिजनेस क्या होने वाला है, आने वाले टाइम की इंडस्ट्री क्या होने वाली है, आप कहाँ पर ग्रोइंग करने वाले हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आने वाले टाइम की इंडस्ट्री क्या है। आप सब लोगों को अभी से देख चेक करना पड़ेगा। अगर अभी भी आप बहुत पुराने वाले यूनिक तरीके से, बहुत पुराने वाले पैटर्न पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर यूनिक तरीके से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, तो आप भी बहुत बड़े, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ पिछड़ गई हैं, वैसे आप भी पिछड़े हुए महसूस करने वाले हैं। अब उसके बाद में मेन टॉपिक काम ये करता है कि अब अगर आप सोशल मीडिया अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत से चल रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कोई एक्सवाइजेड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए जो कंपनी का विजन क्या है। ओके, कंपनी क्या ऑनलाइन काम कर रही है, ऑनलाइन आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। ओके, तो ऑनलाइन का इंटेंशन क्या होता है? ऑनलाइन का इंटेंशन देखो, मार्केट में दो चीज़ें सेल होती हैं, एक तो प्रोडक्ट सेल होता है, एक सर्विस सेल होती है। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ऑनलाइन सेल होएगा, क्लियर है। अगर आपके पास में अच्छी सर्विस है तो सर्विस भी आपकी ऑटोमेटिक सेल होने वाली है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं कि अमेजन जैसी कंपनी के अंदर दो ही चीज़ें बिकती हैं, एक तो ब्रांड बिकता है, वो ब्रांड कोई भी हो सकता है जिसको अपन लोग टीवी पे जानते हैं, हर जानते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ बिकती है कि वो ब्रांड नहीं है बट उस चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग उसको वहाँ से मंगवा रहे हैं। एक बार जिस इंसान ने उसको वहाँ से मंगवाया वो दोबारा वहाँ से मंगवा रहा है, अमेजन कभी भी हमें बेचने नहीं आ रहा, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर बैठे वो सब चीज़ें मंगवा पा रहे हैं, हमें वो सब चीज़ों की सुविधा मिल पा रही है। तो आने वाले टाइम की जो इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप किसी भी एक्सपर्टेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो देखिए, आप उस कंपनी को चेक कीजिए कि आपको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कंपनी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवा पा रही तो आप बहुत बड़ा बिजनेस ग्रोइंग नहीं कर सकते। आप अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आपके लोग 10 साल 20 साल पहले जो लोग काम कर रहे, अगर उसी फिलोसफी से अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, अगर आपकी कंपनी तभी ग्रोइंग कर सकती है ऑनलाइन, ऑनलाइन वही कंपनी आ सकती है या तो जिसके पास में बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत फैंटास्टिक सर्विसेज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, या किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस इतना अच्छा है कि लोग अगर एक बार उसको कंज्यूम करेंगे तो दोबारा उसको ऑनलाइन कंज्यूम करेंगे और आपको वहाँ पर बेचना नहीं पड़ेगा। क्या अभी भी आप लोग मतलब सेल्समैन बन के काम कर रहे हैं? क्या अभी भी आपको लोगों को बेचना पड़ रहा है? तो कब तक आप लोगों को बेचेंगे, मुझे एक बात बताएं आप। बिकता तो हर चीज़ है, बेचना तो आपको पड़ेगा, बट क्या आपका जो बेचने का तरीका है वो क्या आप आनवर टाइम के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं? क्या आनवर टाइम की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, अगर आप अभी भी अगर मोटिवेट हो के अगर किसी अलग ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ भी नहीं है, जहाँ पर लोग सिर्फ अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, न कि उन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। अगर उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो अगर वो कंपनी अगर आपको आने वाले टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, आपको बिजनेस करने का, आपको पूरी ग्लोबली थ्रू बिजनेस करने का आपको अगर प्लेटफॉर्म शो कर रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको लगता है कि आपकी कंपनी सिर्फ आपसे, आपको एक सेल्समैन बना के रखा हुआ है, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट बिकवाती है, तो अभी भी आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या अभी आप लोग आने वाले टाइम में जो काम करना चाहते हो काम कर पाएंगे।
जिस इंडस्ट्री में आप ग्रोथ करने के लिए आए, क्या उस इंडस्ट्री में आप ग्रोथ कर पाएंगे, क्या उसके अंदर संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं आपको दिख रही है किसी प्रकार की। तो देखिए, आपको अगर कामयाब होना है, कामयाब होना पड़ेगा तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड होना पड़ेगा, टाइम के अपग्रेड आप लोगों को बिजनेस करना पड़ेगा। तो कंपनी का विजन, कंपनी का प्रोडक्ट देखें कि कंपनी ऑनलाइन बिजनेस करने वाली है। उसके बाद में अब देखिए क्या हुआ कि सीधी सी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जैसे भी कोविड-19 आया भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल डाउन चले गए, 1 से 2 साल पीछे चले गए जहाँ तक मेरा अनुमान है। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे कि जितनी भी एक्सवाइजेड कंपनी मार्केटिंग कंपनियाँ थी, मेरे पास में आंकड़े हैं 95 या 96% जो कंपनी है उनका माइनस के अंदर बिजनेस गया है। 2 या 3% ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत मेंटेन किया है, जो ट्रेडिशनल है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं। रीज़न क्या था? प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों के पास में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर आज आप लोगों के पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता, इस कोविड-19 के दौरान जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस कम हुए हैं, जहाँ इस ऑनलाइन जहाँ इस कोविड-19 के दौरान जहाँ पर एक आपका बिजनेस मार्केटिंग कंपनी ने बिजनेस कम किया है, ट्रेडिशनल कंपनी का बिजनेस जहाँ पर डाउन गया है, वहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी ने अपने बिजनेस को दोगुनी गति से बढ़ाया है, दोगुनी गति से उनका बिजनेस पूरी दुनिया में कंज्यूम हुआ है, लोगों ने उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। बेसिकली रीज़न क्या था कि उन्होंने एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई थी, एक उनके पास में ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर लोगों ने पैसा कमाया भी और लोगों ने अपनी जरूरत चीज़ें वहां से मंगवाई भी हैं। आज कोविड-19 है, कल अगर और कोई बीमारी आ गई तो मान लीजिए आज 6 महीने में आप 2 साल पीछे चले गए, कल और आने वाले 1 साल के अंदर कोई बीमारी आ जाएगी। क्योंकि भविष्य के अंदर देखिए क्या है, आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी होती है। आपको मतलब समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। सोशल मीडिया बहुत बड़ा बिजनेस है ये मान लीजिए आप, और सोशल मीडिया पे आप बिजनेस तब कर सकते हैं जब आपकी कंपनी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पे काम कर रही है। क्या आप ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं? ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं तो ब्रांड ऑटोमेटिक ब्रांडिंग कर देगा। अगर आप ब्रांड के साथ में काम नहीं कर रहे, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो क्या कंपनी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रही है? क्या ऑनलाइन बिजनेस आपको प्रोवाइड करवा रही है? अगर नहीं है तो आज आप चेक करें। और अगर कई लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो सर हम क्या करें, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ल्ड की एक ऐसी बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने बिजनेस के बहुत बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, जिसने ऑनलाइन बिजनेस के फंडामेंटल चेंज कर दिए हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा धमाल मचाया हुआ है, जहां पर पूरी दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में 100 साल की इंडस्ट्री के होने वाली उन्होंने आज से प्लानिंग कर ली है। 5 साल 50 साल बाद में क्या इंडस्ट्री होने वाली, उन्होंने आज से ही वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली है। अगर अभी अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में और ऑनलाइन बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को ये वीडियो पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस बिज़नेस को लेके। थैंक यू सो मच, आपका राइजिंग स्टार जयपुर टीम वॉरियर ऑफिशियल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आप बने रहें, कंटिन्यू। थैंक यू।